हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपर्णा और आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बारबेक्यू नेशन। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सुना तो बहुत है कि बारबेक्यू ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है या कुछ भी। तो आज की मेरी आउटफिट है ये रेनबो टॉप और नीचे ब्लैक जीन्स। मैं इधर किधर कहीं पर अपना लुक का फोटो डाल दूँगी, आप देख लेना। तो चलो मेरे साथ चलते हैं। सो नाउ वी आर लीविंग फॉर एब्सोल्यूट बारबेक्यू जो है पटना सेंट्रल मॉल में 5th फ्लोर पे। तो जाने के रास्ते तो मुझे आप लोगों को बताने नहीं पड़ेगी क्योंकि आई नो आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे बहुत बार जा चुके होंगे। बट आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगे या बेकार लगे या बहुत अच्छा लगे या ख़राब लगे तो भी लाइक कर देना यार, क्या ही जाता है लाइक करने में। सो गाइस, फाइनली आई रीच पटना सेंट्रल मॉल और यहाँ से 5th फ्लोर पे है। लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ से हम लोग का एंट्री है, उसके बाद हम लोग बारबेक्यू जाएंगे। 5th फ्लोर पे वो इस बारबेक्यू में खाने के लिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। फाइनली वी आर गोइंग और उसके पहले यहाँ पे टेम्परेचर चेकिंग एंड सैनिटाइजेशन हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग। यू ऑल कैन सी 5th फ्लोर पे हमारा एब्सोल्यूट बारबेक्यू एंड वी आर टेकिंग लिफ्ट टू गो देयर। दिस इज़ मी, दिस इज़ अपर्णा एंड वी आर गोइंग। सो मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, बट जो भी कर रही हूँ मैं पागल हूँ, कुछ नहीं किया जा सकता मेरा। और ये रहा हमारा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का डोर एंड वी आर गोइंग टू हैव फन टुडे। ये आई एम सो एक्साइटेड। सो दिस इज़ आवर इनसाइड व्यू ऑफ एब्सोल्यूट बारबेक्यू एंड मुझे अभी से इतना भूख लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। आई एम सो हंग्री। ये रहा गोलगप्पा एंड उन्होंने पहले हमें यहाँ बैठाया बट लेटर ऑन वी चेंज द सीट और हम लोग पीछे चल गए। और ये रहा व्यू, यहाँ पे हम लोगों का प्लेट एंड ऑल सब आ चुका है। इसको क्या बोलते हैं बारबेक्यू का? ये हमारे बारबेक्यू का तंदूर आ चुका है, इसको आप लोग चूल्हा भी बोल सकते हैं। दिस इज़ आवर सेलिब्रेशन चल रहा है। ये चिली पटाटो। वो यहाँ पे मैं फूड एंजॉय कर रही हूँ, बट मैं फूड एंजॉय करने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पर बुफे चलता है जिसमें आप लोग 2 घंटे तक अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। वेज के प्राइसेस अलग है एंड नॉन वेज के प्राइसेस अलग है। बट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन एंड आप ट्यूसडेज़ एंड थर्सडेज़ को जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। सो आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, बाकी दिन इसके प्राइस 700 to 800 होते हैं, बट ट्यूसडेज़ एंड थर्सडेज़ को इसके प्राइस 649 होते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फूडी देन यू मस्ट हैव टू इन्जॉय दिस। सो आप लोग जाओ और यहाँ पे इन्जॉय करो, हैव सम फन टाइम विद फ्रेंड्स, योर गर्लफ्रेंड्स, योर वाइफ, योर फैमिली, एनी वन कैन गो एंड हैव फन। एंड आप लोग फूडी हो तो मन भर खाओ, 2 घंटा में जितना कुछ खा सकते हो। और यहाँ मैं टंगरी चबा रही हूँ कैसे जाहिल की तरह। और ये कुछ नॉनवेज आइटम है लाइक ईमू, डक, रैबिट, सी फूड्स एंड ऑल, बट मैं ये नहीं खाती हूँ, इसीलिए बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं तो गोलगप्पा खा रही हूँ। ये रहा हमारा गोलगप्पा का स्टॉल। ये रहा हमारा गोलगप्पा तो कुछ खास नहीं था क्योंकि वो चिप्स टाइप का लग रहा था, बट हाँ अच्छा था। आ गया, अब हम लोग इसको खाएंगे। यहाँ पर किसी के सी फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार कि कुछ भी खा लेते हैं लोग, बट कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता रैबिट की मुंडी, पर क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो छोड़ो, मैं चिकन खाऊंगी। और ये रहा मेरा रेड सॉस पास्ता। पास्ता रेडी है, रेड सॉस पास्ता। इट्स लुक सो टेम्पटिंग यार। एज यू ऑल, यहाँ पे बुफे है, तो आप अगर स्टार्टर कंप्लीट कर लेते तो आप अपने मन का कुछ भी जाकर कितना भी खा सकते हैं, खुद से लेकर, जस्ट जैसे आप लोग शादी में खाते हैं। मैं भी भूखकर की तरह जैसे शादी में खाती थी, मैं यहाँ पे भी वैसे ही खा रही हूँ, बट आई पेड फॉर इट एंड येस। तो मैं यहाँ पे बिरयानी एंड चिली चिकन लिया एंड तो ये राम लोगों का मेन कोर्स। मेरा पेट अब पूरा भर गया। मैं अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही हूँ। मेरा बर्थडे है 12 अक्टूबर को और उस समय नवरात्रि चलेगी एंड हमारे घर पे पूजा होती है, तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर लूँ। बहुत बढ़ चुका खड़खड़, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। सिर्फ हम, और कोई नहीं आया था मेरे साथ, हम अकेले आए थे। इतना खाते खाते पेट फुल हो चुका था, इसीलिए यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सो येस, वी आर हेडिंग बैक होम एंड बहुत ज़्यादा खा लिया था मैंने, मेरे से स्कूटी भी ड्राइव नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं ठूस ठूस कर पेट फूल गया था मेरा। बट येस, वी आर गोइंग बैक होम और मैं अब आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे अटल पथ का फुट ओवर ब्रिज पर जाना था, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अटल पथ का फुट ओवर ब्रिज। क्या मस्त व्यू लग रहा। So that's it for today's video. Please do subscribe.